Hello students, myself Siddharth Sherpa with your SST classes of class 8. So today we will be starting the first lesson of your geography, that is lesson 1, resources. So it will be a very interesting chapter. We will come across various types of resources, sansadhan, jo hamare insaan use karte hai aur usko hum log kis kis tarike se baantte hai, ye sab hum log dekhenge. सो रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा संसाधन जो हमारे लाइफ को क्या करता है, इजी बना देता है. ठीक है. सो टॉपिक्स जो हम लोग ये चैप्टर में कंप्लीट कवर करेंगे, जो करेंगे इन दिस चैप्टर, दैट इज सबसे पहले रिसोर्सेज क्या है वो समझेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे बेटा, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस और रिसोर्सेस क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स मूव फर्दर इन द चैप्टर, जो कि आपका रिसोर्सेस के बारे में है. रिसोर्सेस, एनीथिंग दैट मीट्स द नीड्स ऑफ लिविंग इज कॉल्ड ए रिसोर्सेस. यानी कि एक जीवन जीने के लिए, उसमें एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए जितने भी जरूरतें होती है हमारे जीवन में, उस सारे जरूरत को जो चीज पूर्ति करता है या नीड को फुलफिल करता है, दैट इज नोन एज रिसोर्सेस. इज दैट क्लियर? संसाधन. इट इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत रूप में पाए जाते हैं. ह्यूमंस जो होता है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्किल, अपने दिमाग लगाते हैं, अपने दिमागदार है, स्किल्स है, अपना इंटेलिजेंस है, पढ़े लिखे है, उसमें वैल्यू एड करता है टू अ रिसोर्सेस, सो एज टू कमांड अ बेटर प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा चीज ले लो, यू द बुक्स विच यू आर यूजिंग, एक प्रकार से तुम्हारे लिए रिसोर्स है, बिकॉज इट सेटिस्फाइंग योर नीड्स. कैसे? तुम्हारे एजुकेशन का नीड्स को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है. तो बुक कैसे बनता है बेटा? फर्स्ट रॉ मेटेरियल होते हैं, जो कि वी मेक पेपर फ्रॉम दी ट्रीज. तो रॉ मेटेरियल्स को हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू एड कर रहे हैं. कैसे? हम लोग दिमाग लगा के उसको क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज करके, अपने स्किल यूज करके उस ट्री को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पेपर में. पेपर के बाद बुक बनता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा वैल्यू एड कर रहे हैं हम लोग. क्या कर रहे हैं? वैल्यू. ठीक है, जोड़ रहे हैं. तो इसलिए ये सब करते हैं रिसोर्सेस में, ताकि कल के दिन में उसको हमारा बेटर प्राइसेस मिले, ज्यादा दाम मिले हमको. इज दैट क्लियर? तो पहले पहले रिसोर्सेस जो था बेटा, नेचुरल फॉर्म में यूज होते थे, नेचर में जैसे मिलते थे वैसे ही यूज किए जाते थे. लाइक हम लोग के जो पूर्वज थे, एनिमल्स को मारते थे, शिकार करते थे और कच्चे ही खाते थे, तो वो लोग नेचर से मिलने वाले जो रिसोर्सेस था, प्लांट्स, एनिमल्स, उसको मार के कच्चे खाना, ये क्या था? रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करना, वैल्यू ऐड नहीं करना. तो जब हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे, तो वैल्यू ऐड करने का मतलब होता है कि हम लोग उसमें कुछ अच्छे गुण डालेंगे, जो था उससे और बेहतर बनाएंगे, ताकि उससे हम लोग को ज्यादा क्या मिले, प्राइस मिले. देयरफॉर स्टडी ऑफ रिसोर्सेस इन्वॉल्व्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. यदि हम लोगों को रिसोर्सेस के बारे में जानना है, या रिसोर्सेस से क्या बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को स्टडी ऑफ रिसोर्सेस, जब हम लोग स्टडी करते हैं रिसोर्सेस को, हम लोगों को उसके गुण जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, उसके टाइप्स को जानना बहुत जरूरी है कि रिसोर्सेस किस टाइप्स के हैं, और उसका रिलेशनशिप हमारे इंसानों पर क्या असर करेगा, और हमारे पर्यावरण पर उसका क्या असर होगा, तो इसको हम लोग रिसोर्सेस बोलते हैं. So value addition of resources, value addition. अभी हम लोग ने देखा कि just now we saw कि anything that meets the needs of living is called a resource. यानी कि एक इंसान का जो needs को पूर्ति करता है बेटा, उस चीज को हम लोग किसके ग्रुप में डालेंगे, resources में. वो बहुत प्रकार के रूप में पाए जाते हैं. अब कितने प्रकार में है वो हम लोग देखते जाएंगे. ह्यूमन बींग अपना जो दिमाग लगा के क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है वैल्यू एड करके, ताकि उसको और बेहतर प्राइस मिले.
तो पहले पहले ये देखने को मिलता था कि नेचुरल फॉर्म में ही हम लोग उसको यूज करते थे, लेकिन आजकल लोग उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है। तो जब हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, तो वैल्यू ऐड करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग उस रिसोर्सेज के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सो वैल्यू ऐड करना मतलब हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक प्रकार से बदल रहे हैं, कुछ अलग चीज बना रहे हैं। अलग चीज इन सेंस है तो रिसोर्सेज वही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम जो पाए जाते हैं बेटा, वो क्या है, वो रॉ मतलब क्रूड ऑयल होता है। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म उस पेट्रोलियम को, अलग करना मतलब पेट्रोल डीजल केरोसिन में हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कॉटन है, कॉटन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कॉटन को। हम लोग रॉ मटेरियल कॉटन के फ्लावर को ले जाके उससे कपड़े फाइबर बनाते हैं, फाइबर बनाकर उसके बाद कपड़े में कन्वर्ट करते हैं, वो कपड़े का कीमत अच्छा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही सब वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक प्रकार से। तो वैल्यू एडिशन मतलब द रॉ फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज आर चेंज्ड इनटू यूजफुल इंटेंड आफ्टर वैल्यू एडिशन, यानी कि उसको हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं किस लिए, ताकि उसको और बेहतर से और बेहतरीन बनाए। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल ओनली व्हेन वैल्यू इज एडेड टू देम। नेचुरल रिसोर्सेज तभी बेहतर होगा जब उसको क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे। मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को कॉटन, उसको कपड़ा बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, वैल्यू ऐड करना पड़ रहा है। वी हैव टू मैन्युफैक्चर, मशीनरीज खरीदने पड़ेंगे उसको बदलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कुछ फाइनेंसेस चाहिए, पेट्रोलियम एग्जाम्पल रिफाइनरीज चाहिए उसको, मतलब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे। जब तक हम लोग वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उसमें मॉडिफाई नहीं करेंगे, तब तक वो रिसोर्सेज उतना ज्यादा रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज ही रहेंगे, बट जितना यूजफुल हो रहा है उससे हम लोग उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ाएंगे, उसको बेहतर से और बेहतरीन बनाएंगे, जिससे पहले से ज्यादा वो क्या करे, सेटिस्फिकेशन लोगों तक पहुंचाए। रिसोर्सेज कैन बी ऑफ मोर वर्थ व्हेन इट सेटिस्फाइज डिफरेंट नीड्स ऑफ ह्यूमंस। रिसोर्सेस का कीमत तब ज्यादा होगा जब वो इंसान के बहुत प्रकार के जरूरतों को क्या करे, पूर्ति करे, सेटिस्फाइड करे या संतुष्ट करे लोगों को। तो ये नीड्स क्या होता है बेटा, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, एस्थेटिक ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटी एस्थेटिक मतलब ब्यूटी सुंदरता, मोरल मतलब नैतिक गुण के लिए भी हो सकता है, या एथिकल, इट विल बी रिलेटेड टू अदर सोसाइटियल एंड मेनी अदर थिंग्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है रिसोर्सेज में, ताकि उसको उस रिसोर्सेज को हम लोग और बेहतर से और बेहतरीन बना सके। रिसोर्सेज के गुण क्या है बेटा, अब हम लोग बार बार रिसोर्सेज बोल रहे हैं, रिसोर्सेज का एक्चुअल में गुण क्या होता है, देखने में कैसा होता है या किस प्रकार के है। तो देखा जाए तो बेटा ये रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंटली तो ये नेचर का फ्री गिफ्ट है, ये एक तोहफा है जो हम लोगों को किससे मिला है, नेचर से मिला है, यानी कि प्रकृति हम लोगों को क्या दे रही है, फ्री एज अ गिफ्ट हम लोगों को दे रहा है, ठीक है। ये हमारे इंसान या हमारे जीवन में जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट नीड्स होते हैं वो पूरा करते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, ये सब हम लोग का बेसिक नीड्स है, कपड़ा, ये सब हम लोग कहां से मिलेगा, रिसोर्स सेटिस्फाई करेगा। नॉट एवरी वन नीड्स पेट्रोलियम, बट एवरी वन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये रिसोर्सेस मतलब वी हैव कन्वर्टेड सम रिसोर्सेज टू फॉर्म दिस एनर्जी, ठीक है। वी नीड फूड, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज से हम लोग को फूड मिल रहा है, ठीक है। और दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि रिसोर्सेज को क्या होते बेटा, हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके उसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि सबको हम लोग दे सकते हैं, यानी कि एवरीवन को, एवरीवन हैज यू कैन से राइट टू गेट द रिसोर्सेज, जिसका मतलब ये भी है सबका अधिकार रिसोर्सेज में, साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकली यानी कि साइंटिफिक वे, नए नए स्किल्स मेथड्स लगा के हम लोग रिसोर्सेज अपने लिए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दीज आर इकोनॉमिकली फीजिबल, रिसोर्सेज इतने महंगे भी नहीं होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए, ताकि सारे लोग अपना आर्थिक स्थिति के रूप से देखा जाए तो वो लोग उसमें खरीद सके, उस इकोनॉमिक उस रिसोर्सेज का यूज कर सके, इसलिए ये इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, यानी कि फीजिबल विच इज गेटेबल, जो हम लोग कर सकते हैं। और उसको सांस्कृतिक रूप से भी माना जाना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंटली, ये सब तो समझ लिए रिसोर्सेज के बारे में,
कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये हमारे सेटिस्फिकेशन लाता है, बेसिक नीड्स हमारे जरूरतों को पूरा करता है, टेक्नोलॉजिकली हम लोग उसको पा सकते हैं, इकोनॉमिकली ये हम लोग उसको एक्वायर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या उसको सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल है, यानी कि समाज संस्कृति सारी चीज़ इसको क्या करता है, मानता है, ये इसका यूज़ करना गलत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो रिसोर्सेज है बेटा, दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। इतना कुछ चीज़ें दे रहा है रिसोर्सेज, इतना कुछ फ़ायदे दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है बेटा, कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, एक मात्रा में आया है, ठीक है, वो ना ही कम ना ही बेसी, ये लिमिटेड है। हो सकता है कल के दिन में ये रिसोर्सेस खत्म भी हो जाए। अब तो इसी के आधार पे हम लोग रिसोर्सेस को क्या करेंगे, वेरियस टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, नो लेट्स सी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, कितने प्रकार के रिसोर्सेस है। रिसोर्सेज बेस्ड कैन बी जनरली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स में है। तो सबसे पहला, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, यानी कि उस रिसोर्सेज पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, या लोगों ने उसके ऊपर कितना सुधार डाला है, या उसको कितना उपयोग किया जाता है, उसके आधार पे दो प्रकार के रिसोर्सेज है, एक एक्चुअल रिसोर्सेस और एक पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, कि एक रिसोर्सेज का कितना डेवलप हुआ है बेटा, एक रिसोर्सेस में हम लोग ने कितना सुधार कर पाया है, या उसको हम लोग कितना उपयोग करते यूज करते हैं, उसके आधार पे रिसोर्सेस कितना बांटा गया है, एक्चुअल रिसोर्सेस एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल जो सही में है, और पोटेंशियल अब वो हम लोग क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेस बेटा। एक्चुअल रिसोर्सेस मतलब ऐसे रिसोर्सेस बेटा जिसका क्वांटिटी हम लोग को पता है, कि हमारे अर्थ में हमारे नेचर में उसका मात्रक कितना है हमको पता है। एज दोज आर इन यूज आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेस। तो एक्चुअल रिसोर्सेस का मतलब बेटा होता है कि द रिसोर्सेस हुज क्वांटिटी इज नोन, हम लोगों को पता है कि उसका क्वांटिटी कितना मात्रा में हमारे अर्थ में पाया गया है। एंड दोज आर इन यूज Are called actual resources, और वो क्या है, use में भी है। हमको पता है कि वो resources हमारे पृथ्वी में कितने मात्रा में पाए जाते हैं, या कितने मात्रा में है, और हम लोगों को ये भी, और हम लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे रिच एग्जाम्पल में देखा जाए, रिच डिपोजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एक रूर बोल के रीजन है, उस रीजन में काफी अच्छे मात्रा में क्या है, कोल पाए जाते हैं, और ये कोल पाए जाते हैं एक्चुअल रिसोर्सेस, ठीक है, कि कोल अब इसके ऊपर काफी डेवलपमेंट किया है, देखो डेवलपमेंट एंड यूज, यानी कि उसके ऊपर डेवलपमेंट किया जाता है, क्योंकि हम लोग को रोज चाहिए ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस वी यूज फ्रीक्वेंटली, इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, इसमें डेवलपमेंट चाहिए। तो जर्मनी में जो है उसमें जो आयरन ओर है, इन डेकन प्लेटू, हमारे देश में जो डेकन प्लेटू है उसमें आयरन ओर है, इंडिया और नेचुरल गैस इन गुजरात आर एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल यानी कि हम लोग को पता है कि एक्चुअली में वो कितना है, सिंपल सी बात है। तो इस पे ऊपर क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है बेटा। तो डेकन प्लेटू में आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पे डेवलपमेंट किया गया, टेक्नोलॉजीज माइनिंग्स किए जाते हैं, ठीक है। कोल रीजन जो जर्मनी में है, ये सब में क्या लाया गया है बेटा, डेवलपमेंट लाया गया है, कि ताकि हम लोग उसको क्या करें, जितना हो सके हम लोग एक्सट्रैक्ट करें। और हम लोग को पता है कि ये जर्मनी की रीजन में अप्रोक्सीमेटली कितना कोयला है, हमारे डेकन प्लेटू में कितने आयरन ओर है, हम लोग को लगभग पता है। एंड नेचुरल गैस जो गुजरात में है पाए जाते हैं, ये सब हम लोग को पता है कि हम लोगों को ये कितने मात्रा में मतलब मौजूद है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंटली, जितने भी रिसोर्सेज का मैंने यहाँ पे बात किया, ये सारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं, मतलब डे टू डे डेली बेसिस में हम लोग यूज करते हैं। कोल काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, नेचुरल गैस फॉर कुकिंग एंड ऑल, यस, और आयरन फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज में इसका लगातार यूज होता है। तो ये सब रिसोर्सेज में काफी डेवलपमेंट भी आया है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज समझ में आया होगा। लेकिन दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एक प्रकार से हम लोग के पास क्या है, मतलब क्या है, क्षमता,
potential resources. Potential resources are those which are available in the region but are not fully used. तो potential मतलब क्या है कि जिसके पास ये resources ऐसे resources है जिसके पास बहुत क्षमता है कि वो क्या करे इंसान के कहा जाए तो इंसान के नीड्स को ह्यूमन के नीड्स को पूर्ति करे ठीक है लेकिन उसको यूटिलाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं यूटिलाइज नहीं कर रहे उतना छोड़ दो हमको पता भी है कैसे यूटिलाइज करना है तब भी हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेस जैसे कि इन नॉर्वे एंड नीदरलैंड्स विंड एनर्जी इज पुट इनटू अ प्रॉफिटेबल यूज तो नॉर्वे और नीदरलैंड्स ऐसे देश है जिन्होंने हवा जो विंड है विंड से क्रिएट या जनरेट होने वाली एनर्जी का एकदम सदुपयोग किया है जिससे वो लोगों को काफी फायदा हुआ है तो विंड क्या है एक पोटेंशियल एनर्जी है विंड केवल सांस जो विंड में यानी कि एयर में जो हवा है तो एयर जब थोड़ा स्पीड बहता है तो वो विंड हो जाता है वो विंड में जितने भी गैसेस पैदा है ऑक्सीजन केवल सांस लेने के लिए नहीं है सांस लेने के लिए तो है बट एट द सेम टाइम वो जो विंड है उसके पास इतना पोटेंशियल है इतना क्षमता है कि वो एनर्जी जो डिमांड्स है उसको क्या कर सकता है वो फुलफिल कर सकता है बट उसका प्रॉपर क्या नहीं किया जा रहा है यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है बट हम लोग देखने को आया है नीदरलैंड जैसे कंट्री नॉर्वे जैसे देश कंट्रीज इस विंड एनर्जी को काफी प्रॉफिटेबल यूज में किया है मतलब मात्र में किया है सिमिलरली विंड एनर्जी का उपयोग हमारे देश में भी किया गया है जैसे कि नगर कोयल तमिलनाडु में एंड गुजरात कोस्ट विच हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू मीट द डिमांड फॉर एनर्जी इन इंडिया तो इस पे और हम लोग डेवलपमेंट लाएंगे बेटा तो इसको हम लोग और ज्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं और ये विंड एनर्जी ये सोलार एनर्जी काफी यहाँ पे सोलार नहीं दिलेगी मैं बोल रहा हूँ सोलार एनर्जी को अगर हम लोग यूज कर पाएंगे तो बेटा इट विल बिकम समटाइम सोलार कैन बिकम पॉल्यूशन फ्री भी हो सकता है और इससे इन्वायरमेंट को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और विंड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट ये नेचुरल है ये खत्म भी नहीं होंगे तो हम लोग इस पे डेवलपमेंट करेंगे और इसका यूज करना शुरू करेंगे तो हमारे इंडिया जैसे देश में जो रिसोर्सेज की डिमांड है बेटा जो लोगों का है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डिमांड जो हमारे इंडिया अभी पिछड़ रहा है उसको क्या कर सकता है पूरा कर सकता है ठीक है तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड यूज हम लोग ने देखा कि रिसोर्सेज को हम लोग किसे बांटते हैं कि जनरली क्लास इन द फॉलोइंग ग्रुप सबसे पहला ग्रुप जो था बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना रिसोर्सेज पे डेवलपमेंट हुआ है और उसमें कितना यूज हम लोग करते हैं कितना उसको यूज कर पाए हैं उसके आधार पे ये सबसे पहला था रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ये पहला टाइप था रिसोर्सेज का सो दूसरा टाइप होता है बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन वो कहां से उत्पन्न होती है सिंपल सी बात है बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस ओरिजिन यानी कि वो रिसोर्सेस कैसे बनी है उसके आधार पे देखा जाए तो रिसोर्सेस को किस में बांट सकते हैं हम लोग नेचुरल या तो वो नेचुरली बन के आया है या तो वो ह्यूमंस ने बनाया है हम इंसानों ने बनाया है अब कैसे देखते हैं सबसे पहले हम लोग नेचुरल रिसोर्स देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस दीज रिसोर्सेस आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर तो सिंपल सी बात है नाम नेचुरल है तो ये रिसोर्सेस कहां से लिया जाता है नेचर से लिया जाता है लाइक एयर वाटर सोयल एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू सर्वाइव तो जैसे कि एयर वाटर सोयल मिनरल्स ये हम लोगों को कहां से मिलता है नेचर से मिलता है और ये सारे जीवन जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं या सारे लाइफ जो है जीवन है उसको ये सारे चीज का क्या पड़ता है नीड पड़ता है जीवित रहने के लिए आई होप यू ऑल गॉट दैट ये एक प्रकार से फ्री गिफ्ट्स है एयर को खरीदना नहीं पड़ रहा है आज के दिन में मिट्टी खरीदना पड़ता है लैंड खरीदना पड़ता है अलग बात है वाटर भी इट्स अ फ्री गिफ्ट इवन सम सिटीज आर हैविंग सो मच वाटर प्रॉब्लम कि दे हैव टू बाय वाटर ओके तो लेकिन इसीलिए बाय करता है भाई नहीं तो क्यों खरीदते क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल इज दैट क्लियर
तो नेचर दैट, अब जैसे कि ये फ्री गिफ्ट है बेटा, जिसको हम इंसान क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बदलाव लाता है। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग के पास घर में बाइक है, बाइक को थोड़ा इन साइलेंसर पाइप को थोड़ा चेंज करने के बाद ढाई 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 आवाज करना, मॉडिफाई कर रहा है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, केवल नॉइस पॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन हम लोग को मॉडिफाई ऐसे करना है बेटा कि मॉडिफाई से हम ही लोगों को क्या हो, बेटर से बेटर बेनिफिट मिले। वी ब्रीद एयर डायरेक्टली बट समटाइम्स वी नीड टू प्यूरिफाई वाटर। अब यही है मॉडिफिकेशन, हम तो हवा से डायरेक्टली एयर ब्रीथ करते हैं, लेकिन आजकल मॉडिफाई करना शुरू कर दिए, मास्क पहनना शुरू कर दिए, कोरोना आ गया है, थोड़ा इम्प्यूरिटीज आ रहा है, तो वो प्यूरिफाई होके जाएगा नाक के अंदर। बट समटाइम्स जो वाटर होता है बेटा शहरों में, उसको प्यूरिफाई करके देना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होता है। अब प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग डालते हैं कभी, ठीक है। अब ये प्यूरिफाई करने के लिए हमारे पास नॉलेज चाहिए, टूल्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजीज भी चाहिए, इसीलिए हम उसको हम लोग उपयोग कर पाए। उसीलिए हम लोगों को प्यूरिफिकेशन करने के लिए नॉलेज भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजीज भी चाहिए, टू मेक देम यूजेबल, टू मेक देम यूजेबल, ताकि हम लोग उसको क्या कर पाए, उपयोग कर पाए रोज बरोज। नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर डिवाइड इन टू पाइप्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग फिर डिवाइड करेंगे दो प्रकार में, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक, ठीक है, ध्यान समझो। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है बायोटिक एक है अबायोटिक। बायोटिक, दीज आर ऑल लिविंग रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जितने भी जीवित सांस लेने वाले प्राणी हैं, जो बढ़ता है, एक दिन समय आने पे मरता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बायोटिक रिसोर्सेज, जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं। एक होता है अबायोटिक, अबायोटिक जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, बट दे सपोर्ट ऑल लिविंग बींग्स। ये क्या करते हैं, सारे लिविंग बींग्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को लैंड चाहिए घर बनाने के लिए, मिनरल्स चाहिए, यस फ्यूल्स चाहिए, बहुत सारे चाहिए, फॉर वेरियस एक्टिविटीज टू लिव कंफर्टेबली। हम लोगों को आसान जीवन हो, मतलब आसान तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक कंफर्टेबल, मतलब आसान ही बोलेंगे, एक आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर हिंदी वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक कंफर्टेबल मतलब एक आरामदायक, यस आरामदायक जीवन जिए, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, दिस नॉन लिविंग मटेरियल्स चाहिए, अबायोटिक रिसोर्सेस चाहिए, या अबायोटिक रिसोर्स ही बोलेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है, जिसमें आएंगे तुम्हारे मिनरल्स, लैंड, फ्यूल, ये सब चीजें। विदाउट दिस आवर लाइफ वॉन्ट बी दैट आरामदायक, ओके, कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेस, जो हम लोग ने पढ़े थे बेस्ड ऑन ऑरिजिन, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स तो नेचर से नहीं मिलता है बेटा, लेकिन ह्यूमन कैसे रिसोर्स बनता है, हम लोग क्लास नाइन्थ, अभी एट में हो, क्लास नाइन्थ में जाओगे तो तुम लोग देखोगे ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेस चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन कैसे रिसोर्स है। द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज इन टू मोर वेल्युएबल रिसोर्सेज। तो हमारा फिजिकल कैपेबिलिटी, शारीरिक क्षमता है, मेंटल एबिलिटीज, दिमाग है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करके वैल्युएबल रिसोर्सेज में डालते हैं। जैसे कि हम लोग ने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर किया, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना फिजिकल एबिलिटीज और मेंटल एबिलिटीज लगा रहे हैं। तो जो दिस एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक प्रकार से देखा जाए, जो क्षमता, जो स्किल इंसान अपने आप को डेवलप करता है, उस प्रकार से देखा जाए तो ह्यूमन क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट फ्रॉम रिसोर्स। यू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर इज अ रिसोर्स, वाई, बिकॉज ही इज क्योरिंग द सोसाइटी, क्योरिंग वेरियस डिजीजेस। तो एक प्रकार से वो एक रिसोर्स है, रिसोर्सफुल इंसान है, इज दैट क्लियर। वो क्या कर रहा है, एक अपने आप में इतना क्षमता डाल दिया है कि आज के दिन में वो क्या बन गया है, रिसोर्स। और वो हम लोग को बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि विदाउट डॉक्टर हमारा जीवन कंफर्टेबल नहीं होगा, बीमार पड़ जाओगे तो कहाँ जाओगे, कॉबलर के पास तो नहीं जाएंगे, कारपेंटर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास ही जाएंगे। सो दैट्स वाई ये एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी कि ये फिजिकल एबिलिटीज एंड मेंटल एबिलिटीज। जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए ह्यूमंस कॉल्ड HU, यहाँ पे कितना कलेक्शन मिल रहा है, HU, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, आई विल शो यू अ पिक्चर आउट हियर, यू कैन सी दिस डैम। सो अगर ह्यूमंस नहीं होते तो क्या ये डैम्स बनता, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है।
तो वी आर मॉडिफाइंग, यही होता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रकार से वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं। दिस वाटर को रोक दिए, उसके बाद पानी गिर रहा है, मोटर घुमा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज हाउ ह्यूमंस अपने आप में क्या लाता है, गुण भरते हैं। अब लेकिन ह्यूमन को इनहेंसमेंट, अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस बचपन से ही इतना स्किल्स लेके आता है, वी हैव टू लर्न दैट स्किल्स एंड वो क्षमता लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो ये इसी स्किल को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं बेटा, उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज को हम लोग डेवलपमेंट में तब कन्वर्ट होंगे जब हम अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे और अच्छे अच्छे स्किल्स डालेंगे, ठीक है। जैसे अब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में आता है जैसे कि एजुकेशन देना, उसको ट्रेनिंग्स देना, ये सब, तब जाके ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। और ह्यूमन एक प्रकार से बहुत सुपीरियर रिसोर्स है। यस, वी नीड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, बट विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, विदाउट द स्किल्स ऑफ ह्यूमंस, हम लोग उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एज अ यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब बेटा विच गेट्स फिनिश्ड, खत्म हो जाता है। तो विच गेट्स फिनिश्ड, तो उसमें देखा जाए तो बेटा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल भी बोल सकता है, यानी कि जो थक जाता है, जो थकता नहीं है, एक रिन्यू है जो दोबारा से बनता है और एक दूसरा है जो दोबारा से नहीं बन पाएगा। अब नेचुरल रिसोर्सेस में भी बहुत सारे जो है बहुत सारे रिसोर्सेस क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होता है। The resources get renewed or replenished quickly after use and are not affected by any physical or chemical change. ऐसे resources बेटा जो use करने के बाद तुरंत बन जाता है और उसमें किसी प्रकार के physical और chemical change, हम लोग उसको physically उसको बदलने का कोशिश करें, उसमें chemically भी change करेंगे बेटा, तो वो change नहीं होगा, उसमें कोई असर पड़ेगा नहीं, वो जैसा था वैसा ही दोबारा से बन के आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, renewable resources। जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज लाइक ग्रास, दोबारा से बन जाता है क्विकली आफ्टर ग्रेजिंग, यदि हम लोग उसके सोयल को हम लोग क्या नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे, तो ग्रास जितना भी चराओगे वो दोबारा से उग जाएंगे। बट हम लोग को सोयल को डैमेज नहीं करेंगे तो वो रिन्यूएबल होगा, यूज कर रहे हो फिर दोबारा से बन जा रही है। सिमिलरली देखा जाए तो, वैसे ही देखा जाए तो फ्लो रिसोर्सेज बोलते बेटा, फ्लो जो कंटिन्यूस फ्लो में आता है, जैसे कि सनशाइन, सूरज की किरण कभी खत्म नहीं होते हैं, वो एक रिसोर्स है। विंड, वाटर आर रिन्यूड ऑटोमेटिकली आफ्टर द यूज, ये सारे चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यूज करने के बाद रिन्यू हो रहा है। वाटर साइकिल, ये अनएंडिंग साइकिल है, कभी खत्म नहीं होने वाला एक चक्र है, ठीक है। तो अब समझ में आया, नेचुरल रिसोर्सेस में कभी कभी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं कि रिन्यूएबल होता है, बट आप इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है आज के दिन में कि पानी को रिन्यू होने का मौका ही नहीं देते, इतना गंदा हो गया है। यस, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है, दिस रिसोर्सेस कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड वंस एग्जॉस्टेड, एक बार खत्म हो जाती है बेटा तो इसको दोबारा से हम लोग बना नहीं सकते हैं इस रिसोर्सेस को। जैसे कि दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर नॉन लिविंग और अबायोटिक, दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है, नॉन लिविंग है, अजीवी, दे आर नॉट लिविंग, जीवन नहीं है उनमें, अबायोटिक है। व्हाट आर लाइफ, विच आर लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेस, विच आर लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बेटा, एक बार खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते, ठीक है। और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, दे आर अबायोटिक और ये लाइफ सपोर्टिंग है, ये जीवन को सपोर्ट करता है। इसमें क्या आता है, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे चलेंगे आज के दिन में, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, अगर ये सब नहीं मिलेगा तो हम लोग का जीवन संभव नहीं है, संभव नहीं है नहीं बोल सकते, लेकिन इट विल बी हार्ड फॉर अस टू सर्वाइव विदाउट दिस रिसोर्सेस। सो दैट्स व्हाई ये रिसोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली दिस, एवरी रिसोर्सेस। अब बेस्ड ऑन ओनरशिप, मालिक कौन है, चौथा टाइप,
ओनरशिप मतलब इसका मालिक या हकदार कौन है। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ओनरशिप के आधार पर देखा जाए तो प्राइवेट होता है, एक कम्युनिटी होता है, एक नेशनल होता है, एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है। प्राइवेट रिसोर्सेज सिंपली देखा जाए तो बेटा ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये प्राइवेट एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति एक रिसोर्सेज का क्या है, मालिक है। जैसे कि एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, उसमें बहुत सारे जंगल है, पेड़ पौधे है, तो वो किसको बिलोंग करता है, एक व्यक्ति को मिल रहा है या उसके परिवार वाले के पास जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री। बहुत सारे तुम लोगों के पास हो गए जमीन जायदाद फॉरेस्ट छोटा सा जंगल वंगल जिसमें पेड़ पौधे हैं, तो वो तुम्हारा प्राइवेट रिसोर्सेस बन जाएगा। और लैंड किसके लिए जरूरी है, खेती करने के लिए जरूरी है, रिसोर्सेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट रिसोर्सेस। एक होता है कम्युनिटी रिसोर्सेस, कम्युनिटी मतलब पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। वो रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो सोसाइटी समाज में रहने वाले लोग यूज करते हैं, और विथ पीपल लिविंग इन नेबरहुड, हमारे पड़ोसन में रहने वाले लोग मिलकर उसको यूज करते हैं। जैसे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं ना, कम्युनिटी हॉल्स वगैरह जहां पे प्रोग्राम वोग्राम करना है, विलेज वेल्स गांव के कुएं जहां सारे लोग पानी लेते हैं, सोसाइटी पार्क्स घूमने के लिए बैठने के लिए पार्क है, मंदिर वगैरह खेलने कूदने का जगह, ये कम्युनिटी रिसोर्सेस है। ये सारे लोग क्या करते हैं, गांव समाज के लोग उपयोग करते हैं। अब हम लोग ने बोला नेशनल रिसोर्सेस, दे आर ओन्ड बाय द लोकल स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इसका उसके ऊपर कौन है, किसका अधिकार लगता है, सरकार का अधिकार लगता है। जैसे फॉरेस्ट जंगल नदियां नहर और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मिनरल्स आयरन ओर्स, ये सब हमारे सरकार क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऐसे रिसोर्सेस जिसके ऊपर सरकार का हक है, अधिकार है, चाहे वो लोकल हो पंचायती राज में हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार, तो ये सारा किस में आएगा, आपका नेशनल रिसोर्सेज में। अब एक और रिसोर्स आता है बेटा, वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अब दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस यूएनओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बात पढ़ लेते हैं उसके बाद बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल डीप ओशन एरियाज विच आर 370 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया के साथ ही देखते हैं, ठीक है, तो इंडिया के साथ ही देखते हैं बेटा, ठीक है। यू कैन सी ये इंडिया का है मैप, ऐसे ही साउथ इंडिया, यहाँ पे क्या है अरेबियन सी, यहाँ पे बॉब बे ऑफ बंगाल एंड यहाँ पे इंडियन ओशन। तो ये समुद्र में जैसे कि 12 नॉटिक माइल्स, आई थिंक यस 20 नॉटिक माइल्स टू 12 नॉटिक माइल्स एनसी नॉटिक माइल्स, इट इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग मेजरमेंट, ब्रिटिश स्टाइल है। तो 12 नॉटिक माइल्स तक ये समुद्री तट पे हमारे भारत का अधिकार लगता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे तो समुद्र है, तो ऐसे जगहों पे किसका अधिकार लगता है, सवाल ये बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे हो सकते बहुत सारे खदान हो, पेट्रोलियम पाए जाते हो, अब ऐसे एरिया में क्या लगता है, इंटरनेशनल बॉडीज का क्या लगता है बेटा, अधिकार लगता है, जैसे यूएनओ एंड ऑल, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेस, ठीक है, समझे, इंटरनेशनल रिसोर्सेस आई होप। यानी कि एक डीप ओशन एरियाज विच आर 370 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ एनी कंट्री, एक कंट्री के 370 किलोमीटर तक एक देश का अधिकार लगता है, लेकिन उसके अतिरिक्त बाहर एरिया में जाएंगे तो किसका लगेगा बेटा, किसका अधिकार लगेगा, तो वो तो इंटरनेशनल बॉडी का लगेगा, ठीक है। उसमें डिसाइड करेंगे किसको कितना मिलेगा, या वो लोग डिसाइड करेंगे कि कब वहां पे क्या करना है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब बेस्ड ऑन यूज एंड यूटिलिटी, ये पांचवा टाइप है, और इसके बाद तुम्हारा का रिसोर्सेस का टाइप भी खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। यस, बेस्ड ऑन यूज एंड यूटिलिटी, यूज मतलब तो उपयोग करना, लेकिन उस चीज का कितना उपयोगिता है उसके आधार पे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, हम लोग एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस काफी इंपॉर्टेंट है आज के दिन में।
They include many agricultural crops like cereals, pulses and oil seeds, besides agricultural inputs like fertilizers, labors, water, etc. तो agricultural resources में क्या आते हैं बेटा? Agricultural crops आते हैं बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Cereals, pulses, oil seeds. इसके अलावा agriculture में जितने भी चीजें हम लोग लगाते हैं, जैसे fertilizers, labors, waters, इनपुट्स, जैसे समझ गए, ये सारी चीज हम लोग किसमें गिनेंगे? एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस में गिनेंगे. मिनरल रिसोर्सेस, अब ये मिनरल रिसोर्सेस को भी हम लोग काफी यूज करते हैं और उसका काफी उपयोगिता भी दे है. हम लोग खदानों से करते हैं, चाहे जमीन के बिलो हो या अर्थ क्रस्ट, एंड सब डिवाइडेड इंटू कैटेगरीज लाइक फॉसिल फ्यूल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रिसोर्सेस. तो मिनरल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस है बेटा जो कि खदानों से लिए जाते हैं, चाहे अबव और बिलो द अर्थ क्रस्ट, चाहे अर्थ के सरफेस में हो या अर्थ के सरफेस के नीचे हो, एंड उसको और डिवाइड किए जाते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में. जैसे मेटालिक मिनरल्स विच कंटेन्स फेरस, नॉन मेटालिक डजंट कंटेन फेरस, आयरन कंटेन नहीं करता है. तो तुम लोग ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन इतना समझ लो. तो देखो तुम लोगों को, जैसे कि ये मिनरल्स में हम लोग देखेंगे, फोटोज में देखा जाए तो यू कैन सी दीज आर दी ओर्स, लाइक यू कैन सी पेट्रोलियम कोल का ओर है ये, यहाँ से लोग दे एक्सट्रैक्ट इट. ठीक है, ये अंडरग्राउंड मरीन रिसोर्सेज है. ये देख रहे हो कोल्स. ठीक है, वाटर रिसोर्सेस, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. ठीक है, अब वाटर रिसोर्सेस के बारे में पढ़े. वाटर रिसोर्सेस मतलब क्या है बेटा? दिस इंक्लूड्स बोथ फ्रेश वाटर रिसोर्सेस गोइंग ऑन लैंड इन रिवर्स, लेक स्प्रिंग्स एंड अंडरग्राउंड वाटर एंड मरीन रिसोर्सेस ऑन द ओशंस एंड सीज. बोथ ऑफ दीज हैव वैरायटी ऑफ यूजेस लाइक ड्रिंकिंग, इरिगेशन, क्लीनिंग, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एक्सेट्रा. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. वाटर जितना भी है हमारे अर्थ में, 3/4 हमारे अर्थ जो है, 3/4 इज वाटर. यस, तो ये वाटर पूरा क्या है? रिसोर्स है. चाहे वो नदी के रूप में हो, चाहे तालाब के रूप में हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, चाहे अंडरग्राउंड में हो, या तो पीने के लिए है, या हम लोग उसको किसके लिए यूज करते हैं? इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं. समुद्र के पानी से हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा, मरीन रिसोर्सेस भी है बेटा. जैसे कि मैंने देखा मरीन रिसोर्सेस, यानी कि समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेस होते हैं, दे प्रोवाइड वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, मछलियां. ठीक है, अदर देन दैट यू कैन सी वहां पे हम लोग वाटर के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं समुद्र के अंदर से. तो वाटर रिसोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर में अभी तक जितने भी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस है हम लोग ने देख लिए. तो हम लोग ने चैप्टर की शुरुआत में बोले थे कि हम लोग यहाँ पे रिसोर्स क्या है वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस देखेंगे. और हम लोग क्या पढ़े थे? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस के बारे में भी हम लोग ने पढ़ेंगे, ये पहले ही तय किया था. तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन, ये दोनों अलग शब्द है, दोनों अलग कंसेप्ट है. ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों का डिफरेंट है, बट ये दोनों को हम लोग एक साथ रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से. वाई is because resources conservation is the principal aim of sustainable development. तो हम लोग अलग से resource develop conservation of resources पढ़ सकते थे, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़े. और sustainable development भले ही अलग हो, conservation अलग हो, ठीक है, लेकिन हम लोग इन दोनों को साथ में इसीलिए लिए है बेटा, क्योंकि जो हम लोग sustainable development बोल रहे हैं, इसका main उद्देश्य क्या है बेटा? कि हम लोगों को क्या करना है? resources को बचा के रखना है. तो कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेस, देख रहे हो तुम लोग ने रिसोर्सेस का गुण देख लिए, रिसोर्सेस कितने प्रकार के हैं. तो आज के दिन में रिसोर्सेस इतना ज्यादा यूज हो रहा है बेटा कि
कभी कभी हो सकता है कि ऐसा समय आए और रिसोर्सेस हम लोगों को ना मिले, तो इसलिए रिसोर्सेस को कंजर्व करके रखना बहुत जरूरी है. द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज क्वेंड एट द यूनाइटेड नेशंस विच ऑर्गेनाइज्ड अर्थ समिट इन 1992 हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब ये नाम आया था, जब यूनाइटेड नेशंस जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया अर्थ समिट कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, 1992 में बनाया था. तब वहां से वो लोग ने एक नया आइडिया लेके आया, उस आइडिया का नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है दैट कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, ये लंबे समय तक चलेगा ये डेवलपमेंट. अब एक्चुअली में देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम लोग रिसोर्सेस को यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग एफिशिएंट वे में यूज करेंगे और हम लोगों को वो रिसोर्सेस विदाउट डैमेजिंग द फ्यूचर, आने वाले भविष्य के लोगों को बिना डैमेज किए, यानी कि आने वाले जनरेशन को भी ये रिसोर्सेस अच्छी तरीके से, ये एक हेरिटेज है हम लोगों को छोड़ के जाना है. ऐसा नहीं है कि सब चीज हम ही लोगों को ही क्या करना है, यूज करना है. ठीक है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर एवरी वन इन द फ्यूचर. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल्स, मतलब उद्देश्य क्या है या सिद्धांत क्या है. जितने भी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उस सारे चीज को इज्जत देना, यानी कि इज्जत मतलब प्रणाम करना नहीं है, वी शुड नॉट किल, वी शुड प्रोटेक्ट देम. ठीक है, जितने प्रकार के जीवन पाए जाते हैं हमारे अर्थ में, इंसान का जीवन में सुधार लाना है, नेचुरल रिसोर्सेस जो कम हो रहे हैं दिन ब दिन उसको कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है जितना भी हो सके, और लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेस टू प्ले पार्टिसिपेटरी रोल्स. तो ये सारे चीज, जानवरों को, एनिमल्स को बचा के रखना, सारे जीवन को, इंसानों का जीवन सुधारना कि ये हम लोग मिनिमाइज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस को, ये सब हमारा उद्देश्य, ये सिद्धांत है सस्टेनेबल रिसोर्सेस का. लेकिन इसको करने के लिए लोकल कम्युनिटी, समाज में ऐसे बनाने चाहिए, कम्युनिटी रिसोर्सेस बनाने चाहिए जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, योगदान होना बहुत जरूरी है. रनिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम डिजास्टर्स, रनिंग सेफ्टी यू कैन से स्कीम्स जिससे लोगों को डिजास्टर से बचने का मौका दिया जाए, डिजास्टर से बचने का क्षमता दे. हमारे अर्थ में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, डाइवर्सिटी, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, उसको बचा के रखना है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंजर्वेशन का बात कर रहा है बेटा, तो ये डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. आज के दिन में हम लोग ऐसे तरीके से चलेंगे कि विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन वी हैव टू सर्वाइव इन टूडेज टाइम. आज के जनरेशन में सर्वाइव करना है, साथ साथ आने वाले फ्यूचर के लोगों को भी क्या करके रखना है, ये सारे रिसोर्सेस बचा के रखना है उन लोगों के लिए. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेस. अब कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेस देखो, मेनी रिसोर्सेस लाइक वॉटर कैन बी कंजर्व बाय कीपिंग इट क्लीन. वॉटर को हम लोग कंजर्व कर सकते रखते हैं जब हम लोग उनको साफ सुथरा रखेंगे. मिनिमाइजिंग इट्स यूज, जितना हो सके हम लोग अब बिल्कुल यूज नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहे, वॉटर जरूरी है लेकिन वी शुड नॉट वेस्ट इट, मिनिमाइज इट्स यूज. एंड बाय यूजिंग वेस्ट वॉटर आफ्टर क्लीनिंग इट, हो सकता है कि हम लोग वेस्ट वॉटर जो हमारे घर से निकल रहा है उसको हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं. जैसे कि व्हेन वी योर मदर इज कुकिंग फूड शी विल क्लीन द राइस, तो राइस जो धोते हैं वो चावल का पानी जो होता है वो शायद दे थ्रो इट डायरेक्टली ना बेसिन पे फेंक देते हैं. हो सकता है कि उस वाटर से जो बेसिन का पानी में जो फेंक रहे चावल में, उससे हम लोग सब्जी भी तो धो सकते हैं बेटा, एक चीज से दो काम हो रहा है. दैट मीन्स जहां पे 4 लीटर पानी लगेंगे वहां 2 लीटर पानी में तुम्हारा काम हो जाएंगे. सबसे बेसिक प्रिंसिपल है बेटा कंजर्वेशन का, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. तो तुम लोग देख सकते हो इसको 3 R's बोला जाता है. They are also known as 3 R's. Reduce. जितना हो सके हम लोगों को ये सब water wastage को reduce करना है. ठीक है, eco-friendly चीजें use करनी है, plastics को reduce करना है, use ही नहीं करना है, reduce of plastic use करना है. Reduce करने के बाद हम लोग उसी चीज को हम लोग recycle भी कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, और फिर दोबारा से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, reuse
कर सकते हैं। ये साइकिल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को इको फ्रेंडली थिंग्स जितना हो सके यूज करना चाहिए। इसको 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, सिंपल सी बात है। रिड्यूस, जितना हो सके कम यूज करना है, रिड्यूस करना है प्लास्टिक्स का यूज करना जो हार्मफुल है, और हो सके अगर उसको हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग मशीन फैक्ट्रीज में भेज के प्लास्टिक्स को दोबारा से रिसाइकल करके उसको दोबारा से हम लोग रीयूज कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब बेटा कि हम लोग को रिसोर्सेज यूज नहीं करना है ऐसा नहीं है, बट इम्फाइसाइज़ देयर एफिशिएंट यूज, जितना हो सके उनको आउटमोस्ट यानी कि जितना बेहतरीन तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं यूज करना है, उसकी उपयोगिता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिसोर्सेज यूज करना है, कंजर्वेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज यूज नहीं करना है। तो तुम लोग सोच रहे कंजर्वेशन का मतलब तो है कि हम लोग रिसोर्सेज यूज नहीं करना है, नहीं है, रिसोर्सेज यूज करना है तो जितना हो सके एक्सप्लॉइट करना, ये नहीं है। रिसोर्सेज यूज करना है लिमिटेशंस में यूज करना है, जितना चाहिए उतना यूज करना है, नॉट एक्सेस। वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड देन रीयूज्ड इन मेनी फॉर्म्स। वेस्ट चीज गार्बेज को हम लोग टेक्नोलॉजिकल यूज करके उसको बहुत सारे अदर यूजेस के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज करने के लिए भी बहुत सारे प्रकार में यूज कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर होममेड पेपर, घर में बनाए गए पेपर बाय खादी ग्राम उद्योग, ये एक कंपनी है जो घर में ही पेपर बनाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट से बनाता है। और MBD ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये क्या करता है, रिसाइकल्ड पेपर्स बनाता है, पेपर को दोबारा से रिसाइकल करके यूज करता है। तो कंजर्वेशन मतलब समझ में आया कि कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, यूज तो करना है लेकिन हम लोगों को वेस्ट भी नहीं करना, जितना चाहिए उतना यूज करना है। तो तुम लोग देख सकते हो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेस, मरीन रिसोर्सेस, कोल, ये पेट्रोलियम, यू कैन सी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वाटर, यस। सो वी लर्नड अबाउट वेरियस थिंग्स इन द चैप्टर्स, हम लोग ने बहुत प्रकार के रिसोर्सेस के बारे में पढ़े, ठीक है, बहुत प्रकार के रिसोर्सेस के बारे में पढ़े हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस देखे, रिसोर्सेस का बेनिफिट देखे, और हम लोग रिसोर्सेस के बारे में कैसे कंजर्व करना ये देखे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हम लोग ने ये देखे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को रिसोर्सेस क्यों जरूरी है और उसको बचा के रखना भी क्यों जरूरी है। रिसोर्सेस नहीं है तो हमारे लाइफ उतना बेटर नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ हम लोग चैप्टर खत्म करते हैं। तो रिमेंबर ऑलवेज ट्राई टू कंजर्व द रिसोर्सेस, वी शुड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेस। सो वील स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।